बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करेंगे कि इस दफा दुबई में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए इंसानी वसाइल और अमारात की वजारत ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अमारात की वजारत ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए औकात कार कम करने का ऐलान कर दिया है। दुबई इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिव डिपार्टमेंट ने कहा है कि निजी शोबे के मुलाजमीन आमतौर पर रोजाना 8 से 9 घंटे काम करते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के दौरान इस औकात में 2 घंटों की मजीद कमी की जाएगी। औकात कार में इस कमी का इतलाक 11 मार्च 2024 बरोज सोमवार से होगा। रमजानुल मुबारक में तमाम वजारतें और वफाकी एजेंसियां सोमवार से जुमारात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 तक काम किया करेंगी, जबकि जुमा के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम किया जाएगा। वजारत अमारात का मजीद कहना है कि इस शेड्यूल से ज्यादा काम करने वाले किसी भी इजाफी घंटे को ओवर टाइम समझा जाएगा और मुलाजमीन को इजाफी मुआवजा भी दिया जाएगा, और ये तमाम सहूलियात रोजा रखने और ना रखने वाले तमाम मुलाजमीन को दी जाएंगी। मजीद दुबई इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट के शाये करदा हिजरी कैलेंडर के मुताबिक रमजानुल मुबारक 2024 का आगाज 12 मार्च बरोज से होगा। तो नाजरीन, अगर आप मजीद इस तरह की अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास मजीद नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।